आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली अबाउट द लुईस कॉन्सेप्ट और उसकी लिमिटेशंस के बारे में है। लिमिटेशंस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, हमने इससे पहले जो है लुईस कॉन्सेप्ट के की रोशनी में उसके अंडर हमने तीन बॉन्ड्स जो थे कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड को स्टडी किया था। अब हमने देखना है कि किस जगह पे चल के लुईस कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाता है। अब लुईस कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हमें बताता है वो तो ये है कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर्ड होता है, हाउ इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। लेकिन सवाल जो पैदा होता है, द क्वेश्चन, वो ये है कि देर आर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एग्जिस्ट, ठीक है। अब उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको सिंपल वैलेंसी रूल से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो क्या सिंपल तरीका जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर का उसने बता दिया है, क्या वो इनफ है इतने मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए? क्या वो जो चीज़ हमें लुईस मॉडल ने बताई है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं इतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, स्पेशली जब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हो? तो ये एक लिमिटेशन थी जिसकी वजह से लुईस मॉडल कंसीडर नहीं किया जा सकता, और वो ये थी द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ज्योमेट्री कितनी इम्पोर्टेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो तो हम अपनी जगह पे देखेंगे, लेकिन जो लुईस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन है वो ये है कि लुईस कॉन्सेप्ट फेल्स टू टेल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री और उनकी जो ओरिएंटेशन होती है उनके बारे में जो है लुईस कॉन्सेप्ट हमें किसी भी तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हाउ, व्हाई ज्योमेट्री इज इम्पोर्टेंट? किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड को जब आप स्टडी करते हैं तो देर आर वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक कंपाउंड जो है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि लाइट उसके अंदर से बेंड होती है या पास होती है, ओपेक है, क्लियर है, उसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटम्स की अरेंजमेंट और उनकी ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो लुईस मॉडल जो उनका था वो फेल हो गया, बिकॉज अ ट्रू मॉडल, अगर वो मॉडल ठीक हो तो ट्रू मॉडल मस्ट टेल अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी एटम के बॉन्ड बनाने में और उसकी जो सी स्ट्रक्चर है। अब अगर आप लेटेस्ट जो स्पेक्ट्रोमीट्री है हमारे पास, क्योंकि ये लुईस मॉडल तो बहुत पुराना है, अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो काफ़ी रिसर्च्ड हैं, रिसर्च बेस्ड हैं, तो स्पेक्ट्रोमीट्री जो जो चीज़ें हमें बताती है उनमें बॉन्ड पोलैरिटीज़ के, बॉन्ड के ऊपर पोल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके शेल के आपके एटम के ऊपर मौजूद हैं वो रिपल्शन कैसे करते हैं, रिपल्शन की वजह से उनकी ज्योमेट्री पे क्या इफ़ेक्ट आता है, उनकी शक्ल जो है वो किस तरह की बन जाती है, और
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एनर्जी ट्रांजिशन हैं कि एनर्जी के प्रोफाइल में क्या चेंजेस आती हैं, एटम जब बॉन्ड बनाता है उसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ पे जाती है, क्यों जाती है, क्या डिटेल होती है, ये सारी चीज़ें अब हमें लेटेस्ट स्पेक्ट्रोमेट्री से पता लग चल जाती हैं। बट लुइस कंसेप्ट फेल्ड टू टेल एस एनी थिंग अबाउट दैम, लुइस कंसेप्ट फेल्ड अबाउट दीज थिंग्स जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फिर अगर लुइस कंसेप्ट फेल हो गया तो व्हाट आर दी अदर थिंग्स जिनकी तरफ अब हमें देखना है, और वही चीज़ जो है इस चैप्टर की एसेंस है, दोज आर दी मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जो लेटेस्ट थ्योरीज चल रही हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च हमें डिटेल्स बता रही है वो क्या है, क्योंकि लुइस कॉन्सेप्ट तो अब हमें ज्योमेट्री और इसकी जो सी दूसरी चीज़ें हैं वो हमें बता नहीं सकता। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने तीन मॉडर्न थ्योरीज जो सी हैं उनको स्टडी करना है। नंबर वन इज दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जिसको हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, ये पहली थ्योरी होगी जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है जो बॉन्ड बना रहा होता है, और वो वाला पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहा होता वो किस तरह से उसकी ज्योमेट्री को इफेक्ट करता है, रिपल्शन होगी तो ज्योमेट्री पे क्या फ़र्क आएगा और उससे उनकी बॉन्डिंग कैसे होगी। तो पहली थ्योरी अबाउट दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सेकंड वुड बी द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम VBT कहते हैं। दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो उनसे हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उनको हम अपनी जगह डिटेल पे देखेंगे। तो सेकंड थ्योरी इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन वुड बी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको हम MOT कहते हैं। MOT इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स वन, जिसके अंदर हम बेसिकली एनर्जी की बात करेंगे कि कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाता है, दो एटम्स मिलके बॉन्ड बनाएंगे तो उनका एनर्जी का प्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन पे क्या फ़र्क आएगा, किस तरह से कौन सा ऑर्बिटल फेल होगा, और जो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और नॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कैसे बनेंगे, ये सारी डिटेल हम अपने इस टॉपिक में जब पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे। तो दीज आर द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो कि हमें पढ़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो आपका लुइस मॉडल था ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट हैज़ फेल्ड अस टू टेल अबाउट दी बॉन्ड पोलैरिटीज, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इन सब चीज़ों के फेल होने की वजह से आप जो है इन तीन थ्योरीज को स्टडी करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तो हमने ओवरऑल ओवरव्यू लिया अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द लुइस बॉन्ड एंड जो कुछ अब हमने पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम हम जो है अपनी पहली थ्योरी वेस्पर थ्योरी को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, जो कि दो तीन टॉपिक्स हमारे लेगी क्योंकि काफ़ी लेंथी है, उसकी डिटेल में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर रिपल्शन करेगा और उसकी ज्योमेट्री पे इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ तक आपके पास सब चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम जो स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी द वेस्पर थ्योरी।